गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज मैं आपको हिंदी की पाठ्य पुस्तक में से 6 लेसन करवाने जा रही हूँ। लेसन का नाम है ईमानदार बालक। ईमानदार बालक के बारे में हम आपको बताएंगे। कृष्ण नगर कृष्णपुर गांव की पाठशाला में गुरुजी गणित की कापियाँ जांच रहे थे। किस सब्जेक्ट की कापियाँ जांच रहे थे? गणित। गणित मतलब मैथ, जांचना मतलब चेक करना। गणित की कापियां जांच रहे थे। आज बहुत कम बच्चों ने गृह कार्य किया, शायद सवाल कुछ कठिन थे। लेकिन ताजुब की बात थी कि गोपाल के सारे सवाल ठीक थे। गुरुजी गोपाल का गृह कार्य देखकर बहुत प्रसन्न हो गए। गृह कार्य का मतलब होता है होमवर्क, ठीक है बेटा। उन्होंने गोपाल की पीठ थपथपाते हुए कहा, देखो बच्चों, गोपाल ने कितनी खूबसूरती से सारे सवाल हल किए हैं। उसने इसके लिए पूरी मेहनत की है। मतलब मास्टर जी ने बोला कि गोपाल ने सवाल बहुत मेहनत से की है, ठीक है। आपको गोपाल से सीखना चाहिए। मास्टर जी ने बोला कि जैसे गोपाल ने अच्छी तरह से सवालों का जवाब दिया है, सम किए हैं, आपको भी उससे सीखना चाहिए। ये सुनकर गोपाल अचानक फूट पड़ा। गोपाल को इस तरह रोते देख सभी बच्चे हैरान रह गए। गुरुजी भी एक टक उसे देख रहे थे। उन्होंने उससे रोने का कारण पूछा, लेकिन गोपाल सुबक रहा था। सुबक रहा मतलब रो रहा था, ऐसे ऐसे जैसे बच्चे रोते हैं ना, वैसे रो रहा था। आखिर उसने धीरे से उठकर कहा, मास्टर जी, आपने मेरी इतनी तारीफ की, लेकिन मैं वास्तव में इसके लायक नहीं। मैंने जे सारे सवाल अपने आप नहीं किए। इसमें से कुछ सवाल मैंने अपने मित्र की कॉपी से उतारे हैं, इसलिए मैं तारीफ का नहीं दंड का बागी हूँ। आगे है, नहीं गोपाल, मास्टर जी ने मद-मद मुस्कराते हुए कहा। मद-मद मुस्कराना मतलब धीरे धीरे मुस्कराते हुए कहा, मतलब मुंह पे अपने स्माइल लगाते हुए कहा, बेशक तुमने सवाल देखकर किए हैं, पर तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी प्रशंसा करने योग्य है। क्यों प्रशंसा करने योग्य है बेटा? क्योंकि उसने बहुत ईमानदारी से अपना जो उसने कॉपी से देखा था, किसी दोस्त की कॉपी से देखा था, बता दिया कि ये सारे सवाल मैंने नहीं किए। तो जो उनका मास्टर था वो उसकी ईमानदारी और सच्चाई से बहुत खुश हुआ। फिर आगे मास्टर जी बोले, तुम सच्चे और ईमानदारी ही नहीं अपितु साहसी भी हो। साहसी मतलब हिम्मत वाले, ठीक है। अपितु मतलब बल की। फिर उसने मास्टर जी ने बोला कि तुम बहुत साहसी और ईमानदार भी हो, ठीक है। इस पर उसने गोपाल ने बोला कि गोपाल का हृदय रोमांचित हो गया। गोपाल का जो मन था वो खुश हो गया, क्योंकि उसके मास्टर ने उसकी ईमानदारी को ज़्यादा प्रेस की, ईमानदारी की प्रेस की। सभी विद्यार्थी कभी गोपाल और कभी मास्टर जी को देख रहे थे। देखा बच्चों, ये कहानी कितनी अच्छी है। इस कहानी को पढ़कर हमें ईमानदार और साहसी बनने की प्रेरणा मिलती है। जैसे आपने भी ईमानदार रहना है और अपना होमवर्क खुद करना है, चाहे कोई मिस्टेक हो जाए, लेकिन आपने चीटिंग नहीं करनी। आपने हमेशा अपना काम पूरी ईमानदारी से करना। चलो कभी कभी होता है नहीं भी सम आते, लेकिन एक बार करो, फिर दूसरी बार करो, फिर तीसरी बार, कभी ना कभी आपका सम जरूर ठीक हो जाएंगे, ठीक है बेटा। ऐसे आपने ईमानदार